और अब हम अपने दर्शकों को यानी देश हित के दर्शकों को पयोधी दिखाते हैं पीडीपी का आतंकी प्रेम बिल्कुल। और ये कदम कदम पर अदिति जगजाहिर भी होता रहा है। पीडीपी के राज्यसभा सांसद है मीर मोहम्मद फयाज, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में पीडीपी सांसद फयाज ने आतंकी मकबूल भट्ट, सही सुन रहे आप, आतंकी मकबूल भट्ट और अफजल गुरु के अवशेष उनके परिवार वालों को देने की मांग की। दोनों आतंकियों को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। मकबूल भट्ट को 1984 में तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। वहीं अफजल गुरु की बात करें तो 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ में फांसी दी गई थी। दोनों आतंकियों को जेल के अंदर ही दफनाया गया था और इसलिए चिट्ठी लिखी गई है पीडीपी की तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ सेना इस कोशिश में है कि कश्मीर में आतंकियों का जनाजा ना निकले, क्योंकि जनाजा निकलता है तो भीड़ जुटती है और कई युवाओं का इसी बहाने ब्रेन वॉश भी किया जाता है। अब अगर महबूबा मुफ्ती की पार्टी अफजल गुरु मकबूल भट्ट के अवशेष मांग रही है, ये कह रही है कि अवशेष कश्मीर में उनके परिवारों को दिए जाए, तो ये भी कुछ कुछ आतंकियों के महिमा मंडन जैसा ही है। जिसे एक तरफ महबूबा मुफ्ती अपनी राजनीति चमका सकेंगी तो दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कश्मीर का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश हो रही है। इसीलिए देश हित और कश्मीर का हित इसमें है कि दोनों आतंकियों के अवशेष किसी भी कीमत पर उनके घर वालों को ना मिले, आतंकियों का महिमा मंडन किसी भी कीमत पर ना हो।